बीते दिन देखिए कर्नाटक रत्न अवार्ड्स किए गए थे, जहां पर आपने रजनीकांत साहब को देखा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से, जहां आपने देखा शिवराज कुमार साहब को, और जहां पर आए हुए थे जूनियर एनटीआर। देखिए बहुत सारे वीडियो जहां मैंने बनाए थे, आप लोगों के कमेंट्स थे, मैसेजेस थे कि भाई हर बार एनटीआर की तारीफ और हर बार इन्हीं के बारे में क्यों बात करता है, बॉलीवुड ने तेरा क्या बिगाड़ दिया, एंड दिस वीडियो इज प्रूफ दीज गाइज आर जैम। देखिए एनटीआर साहब अपनी चेयर पर बैठे हुए थे, बड़ा नाम है, एक बड़ी फैमिली से आते हैं, इनके जो पिताजी हैं भाई फिल्मी बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, हर तरीके से सामर्थ है आदमी, आज चाहे तो किसी अवार्ड फंक्शन में जाए, ना चाहे तो ना जाए। कर्नाटका गए हुए थे, तो उनकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि भाई जहां जाते ना वहां की लैंग्वेज में बात करते हैं, दिस इज द क्यूटेस्ट थिंग। या नॉर्थ में आए हुए थे प्रमोशन करने के लिए, हिंदी बोल रहे थे, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, कन्नड़ा बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, अभी जापान में जापानीज बोल रहे थे, भाई अलग लेवल का क्रेजी आदमी है। अब कमाल की बात मैं आपको बता दूं, एक जो औरत थी वो आई थी, आई डोंट नो वो कौन है क्या है, बट द वे ही वॉज बींग पोलाइट देयर, भाई इनसेन, भाई इतना झुककर मिलना, और जो कुर्सी पे बैठने लगी तो उन्होंने भाई साहब स्टाफ से वो कपड़ा लेकर खुद भी साफ करने लगे कि बैठने वाली है चेयर साफ कर देता हूँ, एनी शिफ्टी डिज लोकेशन कि आप आए तो आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं दूसरी कुर्सी पर शिफ्ट हो जाता हूँ। द वे ही वॉज टॉकिंग, द वे ही वॉज गिविंग रिस्पेक्ट टू एवरी वन, जैसे शिव राजकुमार आते हैं उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर नमस्ते करना, भाई दिस गाय इज विनिंग एवरी वन हार्ट। और भाई जो एनटीआर उनका क्रेज है तब है जब आरआरआर को आए काफ़ी टाइम हो गया है और अगली फिल्म की अपडेट इतनी ज़्यादा कुछ आई नहीं है, इन सब के बावजूद भी एनटीआर ने जो फैन फॉलोइंग मेंटेन कर रखी है कोई दूसरा नहीं कर सकता, इवेंट कहीं पे हो, बेंगलोर, चेन्नई, कर्नाटका, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, हर जगह पर आपको इस आदमी के जलवे दिखाई देंगे। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हम्बलनेस के मामले में आप सबसे ज़्यादा किसको आंकते हैं, अल्लू अर्जुन है, रामचंद्र है, एनटीआर है, एंड लेट पुनीत राजकुमार साहब, दिस गाय वॉज ऑल्सो जैम, जल्दी से बताएं।